तो हम लोगों का आज पहला क्वेश्चन है, दोबारा से मैं बता देता हूं। विक्स इंडिया 2024 एशिया की सबसे बड़ी नागरिक उड्डयन प्रदर्शनी है, जो कहां पर हुई? हैदराबाद में। और हैदराबाद के कौन से एयरपोर्ट पर? बेगम पेट एयरपोर्ट पर। इसकी थीम क्या है? अमृतकाल में भारत का विश्व से जुड़ा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जो न्यू जेनरेशन के आपके एयरप्लेन हैं उनको और अपडेट करना और उनकी सेवाएं लेना, टूरिज्म क्षेत्र में उनके उपयोग को, यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देना। अब प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हैदराबाद के बारे में जान लेते हैं। हैदराबाद है द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, आपको पता होगा। और हैदराबाद कौन सी रिवर के किनारे पर है? तो रिवर का नाम है मूसी, मूसी नदी के किनारे पर है। और यहीं पर क्या है? चार मीनार। चार मीनार आप लोग नाम याद रखेंगे, एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स भी, चार मीनार भी हैदराबाद पर है। बात क्लियर हो गया? इसके बाद हम लोग देखते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु को कैंपेगौड़ा सिटी भी कहते हैं। इंटरनेशनल कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट भी बेंगलोर में है। बेंगलोर में इसरो का क्या है? ठीक है, सॉरी, हाँ, सॉरी सॉरी, ये कैपिटल ऑफ तेलंगाना है। तेलंगाना, 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 ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। इसके साथ साथ बेंगलुरु देखा, कैंपेगौड़ा सिटीज को कहते हैं, साइंस सिटी कहते हैं, और इसको सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। और यहां पर इसरो का हेडक्वार्टर भी है, ये भी प्लीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टू अगर हम देखेंगे, ग्लोबल फायर पावर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? पांचवा, छठा, सातवां, चौथा? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में, तो आप लोग मुझे बताइएगा इसमें भारत का कौन सा स्थान है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये, क्योंकि मैं इंडेक्स आपको करा चुका हूं, फिर भी आज हम एक बार इंडेक्स रिवीजन करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसमें भारत का स्थान जो है वो है चौथा, चौथा स्थान है। और 2023 में याद रखेंगे आप लोग, 2023 का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पर टॉप टॉप देश देखेंगे, टॉप थ्री कंट्री देखेंगे कौन कौन सी है इसमें, पहली, दूसरी, तीसरी। तो पहला है यूएसए, दूसरा है रूस, तीसरा है चीन, और चौथा आप लोगों ने देखा अभी आपका क्या है प्यारा? भारत। ठीक है भाई, क्लियर होगी सभी को, ये नोट करिएगा आप लोग। और ये जो है क्या, अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी अंतिम देश है इसमें, लास्ट कंट्री है भूटान। लास्ट कंट्री है भूटान, इसकी रैंक है 145। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बताएंगे सारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आपको बताना है जल्दी से। पहले बताना है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बताइए। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111। ठीक है, हैप्पीनेस में बताइए, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस और पीस इन दोनों में सेम ही है, 126। हैनले पासपोर्ट, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में बताइए आप लोग, वो है 80। क्लियर है? तो ये सारी की सारी प्लीज आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए आगे है, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 के तहत 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले, अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन सा है, आपको बताना है फटाफट से। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ एक जनसंख्या करने वाले की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करते तो आंसर इज गुजरात। क्या होगा आंसर, नोट कर लेंगे, आंसर क्या होगा इसका? गुजरात होगा। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2022 में कितना? 1 करोड़ से अधिक, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब इसमें लिखेंगे फटाफट से, लिखेंगे एक यहां पे नोट डाल के लिखेंगे, नोट लिखेंगे, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले लीडर स्टेट कौन बना है? लीडर, लीडर स्टेट बताना है आपको, लीडर स्टेट, तो लीडर स्टेट वर्ड रखेंगे, उसमें है यूपी। उसमें कौन से नंबर पर है लीडर स्टेट में? वो है आपका
उत्तर प्रदेश, ठीक है, क्लियर हो गया। और हिमाचल प्रदेश को लिख लेंगे यहां पर, यह बना है 1 करोड़ से कम वाली जनसंख्या में, कम वाली जनसंख्या में पहले नंबर पर। 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, 1 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या तो गुजरात पहले नंबर पुरस्कार मिला, 1 करोड़ से कम जनसंख्या तो हिमाचल, और लीडर कैटेगरी या लीडर स्टेट किसको दिया गया 1 करोड़ से जनसंख्या वाले अधिक मामले में, तो वो था आपका उत्तर प्रदेश। बात क्लियर हो गई सभी को, जल्दी से मुझे बताइएगा फटाफट से प्लीज सारे बच्चे। अब यहां पर एक वर्ड आया है, इसको भी निपटा लेते हैं, उड़ीसा। तो थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में लिख लेते हैं, उड़ीसा के बारे में यहां पर लिख लेते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है, आपको पता ही होगा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर यहां की राजधानी है। यहां पर कौन सा मंदिर है भुवनेश्वर में, लिंगराज टेम्पल, लिंगराज मंदिर है। फिर यहां पर देखेंगे आप लोग कटक शहर है, कटक ये कौन सी नदी पर है, ये है महानदी पर, और महानदी को क्या कहते हैं, उड़ीसा का शोक बोलते हैं, उड़ीसा का शोक, सोरो ऑफ उड़ीसा। फिर आपने देखा होगा यहां पर एक कौन सा मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर आप लोगों ने देखा होगा। एक यहां पर कौन सा मंदिर है, कोणार्क टेम्पल, जिसे हम लोग ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, ब्लैक पगोड़ा। फिर इसके बाद आपने देखा होगा यहां पर एक झील है, उस झील का नाम क्या है, वो है चिल्का लेक, चिल्का, ठीक है, ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे। और यहां पर इसी चिल्का लेक आगे चलेंगे, एक नदी यहां की कौन सी है, महानदी, और महानदी पर कौन सा बांध है, वो है आपका हीरा कुंड डैम, हीरा कुंड बांध, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। तो ये आप लोग उड़ीसा के बारे में नोट कर लेना, नवीन पटनायक वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, और 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भी भुवनेश्वर में हुआ था, जो बेल्जियम ने जीता था जर्मनी को हराकर, ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को, याद हो रही है चीजें, बस तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। और यहां पर दो नेशनल पार्क को लिखेंगे, बताओ भाई उड़ीसा के नेशनल पार्क बताओ फटाफट से, एक तो लिखेंगे सिमलीपाल, एक तो सिमलीपाल है, और एक है आप लोगों का वो है बनेरघट्टा, नहीं बनेरघट्टा तो कर्नाटक का है, उसका नाम भीतरकनिका, सिमलीपाल और भीतरकनिका, ये कहाँ का है, ये है आपका उड़ीसा के, क्या है, नेशनल पार्क, ये भी आप लोग नोट कर लेना, याद हो गए। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में भारत के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी की उपलब्धि किसने हासिल की है, हु हैज रिसेंटली अचीव द फीट ऑफ द बिकमिंग इंडियाज फर्स्ट नंबर चेस प्लेयर। तो बताना है आपको कौन है, आदित्य सामंत, वैशाली रमेश बाबू, आर प्रज्ञानंद या डी गुकेश। तो इसमें राइट आंसर होगा आर प्रज्ञानंद, क्या है, आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखना, क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में मुझे थोड़ा सा आप लोग बताएंगे फटाफट से, आर प्रज्ञानंद ये भी जो है नॉर्वे में एक चेस चैंपियनशिप हुई थी 2023 की, वहां पर ये रनर रहे थे, ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक चीज और लिख लेंगे फटाफट से, एक और लिखेंगे टाटा स्टील मास्टर चैंपियनशिप 2024, ठीक है, तो लिखेंगे कहां पर हुई, नीदरलैंड में हुई है होस्ट, ठीक है, और विजेता लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यही थे रमेश बाबू प्रज्ञानंद। फिर लिखेंगे उपविजेता, ये तो विनर थे भाई साहब, और उपविजेता यानी रनर अप कौन थे, तो रनर अप थे इसमें चीन के लिखेंगे डिंग लिरेन
ली रेन, ये आपके रनर अप थे, कहाँ के थे ये, चाइना के। ठीक है भैया, वैशाली रमेश बाबू अगर इनकी बात करें तो ग्रैंड मास्टर कौन सी हैं, 84 नंबर की। और अगर हम बात करें आदित्य सामंत, ये हैं 83 नंबर के। और डी गुकेश तो पता नहीं, और 82 नंबर के कौन है, 82 नंबर लिखेंगे, 82 नंबर के लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे वुपला, वुपला प्रणीत। ठीक है, ये आप लोग जो है नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़े, आगे बढ़े, किसी को दिक्कत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोट कर लिया हो सभी ने, नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े, साथ के साथ नोट जरूर करते रहिए, नोट्स जरूर बनाइए, बिना नोट बनाए कुछ होगा नहीं। और मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, फिर एक दिन आप देखेंगे कि आपका लेवल कहाँ बढ़ जाएगा, बहुत स्टैंडर्ड आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार शर्माचर, मार्ग बार शर्माचर किससे संबंधित है, किस देश से संबंधित है या किसने चलाया मार्ग बार शर्माचर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये चलाया किसने भैया, ये चलाया है आपके पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने किसके लिए, ईरान, ईरान पर अटैक जो किया था, आपको पता होगा पहले ईरान ने किया था, फिर पाकिस्तान ने ईरान पर किया। क्लियर हो गया बात सभी को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लिख लेंगे, पाकिस्तान ने ईरान पर किया, ईरान पर किया आतंकवादी हमलों के ठिकानों पर। ठीक है भैया, क्लियर है। ऑपरेशन अजय आप लोगों ने पता होगा, ऑपरेशन अजय ये भारत ने चलाया इजराइल से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन गंगा भारत ने चलाया यूक्रेन, ऑपरेशन देवी शक्ति भारत ने चलाया अफगानिस्तान, ऑपरेशन दोस्त भारत ने चलाया ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में, ऑपरेशन करुणा भारत ने म्यांमार में चलाया, कल मैं करा चुका हूँ ना आप लोगों को ये सारे के सारे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग जो है नोट कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, बताइए फटाफट से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और इस किसे सम्मानित किया गया, तो वो लिखेंगे रंजन गंगोई। रंजन गंगोई कौन है, फॉर्मर सीजीआई ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं ये रंजन गोगोई। ठीक है, और कौन से रह चुके हैं, 46 नंबर के, इन्होंने राम जन्म भूमि से रिलेटेड यही थे उस टाइम पर सीजीआई। ठीक है, 40 नंबर के क्या थे हमारे, सीजीआई थे। इन्हें क्या अवार्ड मिला है, असम वैभव अवार्ड 2023, किसको, रंजन गंगोई को। बात क्लियर होगी सभी को, और इनकी पुस्तक का नाम लिख लेना, इनकी बुक का नाम लिख लेना, बुक लिख लेना, जस्टिस फॉर द जज, जस्टिस फॉर द जज, जस्टिस फॉर द जज इनकी बुक का नाम लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये पहले सीजीआई थे, ये भी लिख लेंगे, फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर राज्यों के पहले चीफ जस्टिस थे, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़े, इस पुरस्कार में, ये जो पुरस्कार है आप लोगों का, इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं असम सरकार के द्वारा, 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, साथ में एक मेडल और प्रस्तुति पत्र जो है वो तो मिलता ही है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बताइए फटाफट से। ठीक है, अब मुझे यहां पर आप लोग बताएंगे, एक पुरस्कार है असम सौरभ पुरस्कार, यहीं पे लिख लेंगे आप लोग फटाफट से, असम वो गौरव है, ये असम वैभव है, ये है असम सौरभ पुरस्कार 2023, ये किसको मिला है, तो ये मिला है, आप लोग नोट करेंगे, ये मिला है हीमा दास को, हीमा दास एथलीट हैं असम की, इनको जो है इसको मिला। और इनको क्या कहते हैं, डींग एक्सप्रेस के नाम से भी इनको जाना जाता है,
ये भी आप लोग जो है नोट कर लेना, किस नाम से जाना जाता है, डींग एक्सप्रेस। क्लियर हो गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, जल्दी बताइए, नोट कर लिया सभी ने। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग, फटाफट से लिखेंगे, प्रेसिडेंट कालर पुरस्कार 2023, प्रेसिडेंट कालर पुरस्कार 2023 ये मिला है राष्ट्रपति के द्वारा किसको, हरियाणा पुलिस को। इसको नोट कर लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया, क्लियर है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है अभी 2023 का, वहीदा रहमान को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार लिख लेंगे यहां पर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान, वहीदा रहमान को। ठीक है, प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड किसको मिला है राष्ट्रपति के द्वारा, हरियाणा पुलिस। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसको मिला है, वहीदा रहमान को, भारतीय अभिनेत्री हैं, ये आप लोग नोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी बनाने वाला स्टार्टअप बीटा बोल्ट का संबंध किससे है, आप लोग मुझे बताएंगे फटाफट से। और बीटा बोल्ट क्या है, ये कंपनी है, किसकी कंपनी है, ये है चाइना की। तो आंसर इज चाइना, बैटरी से रिलेटेड ये कंपनी है, चाइना की कंपनी है बीटा बोल्ट। और ये एक ऐसा स्टार्टअप है, इसमें क्या होगा कि बीटा बोल्ट कंपनी एक ऐसी बैटरी का निर्माण कर रही है जो एक बार चार्ज करेंगे, एक बार चार्ज करने पर 50 साल तक इसको चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो आप लोग, जब पहले क्या होता था, 2011 12 13 में बिजली तो कम आती थी, तो घर के एक सदस्य की ड्यूटी लगी होती थी फोन चार्ज करने की, क्योंकि गांव में क्या होता था, लाइट तो कम आती थी। तो एक आदमी बैटरी लेकर, चार्जर लेकर, और पहले, उससे भी पहले की बात करें तो रामायण आती थी ना, तो गांव 7 बजे आती थी शायद शाम को, तो उस टाइम पर किराए की बैटरी भी मिलती थी। बैटरियों को चार्ज करके जिम्मेदारी दे दी जाती थी एक आदमी को कि भाई फिट करके चार्ज करके रखो, इन्हें शक्तिमान आएगा, आर्यमान आएगा, रामायण आएगी। और शाम को ना 4 बजे पिक्चर भी आती थी एक दूरदर्शन पर, आप लोगों ने देखी होगी संडे में, तो बैटरी चार्ज करके बिल्कुल फिट करके रखी जाती थी। और बैटरी चार्ज नहीं होती थी तो फिर चंदा इकट्ठा होता था गांव में कि भाई बैटरी किराए पे आएगी दूसरे गांव से। ठीक है, तो अब चाइना ने इसका सोल्यूशन निकाल दिया, एक बार बैटरी चार्ज करो 50 साल तक के लिए भूल जाओ। 50 साल का मतलब क्या है कि आप जब इतने इंटर विंटर करके निपटेगा कोई बच्चा, फिर उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, एक ही बैटरी काफ़ी है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और ये -60 डिग्री से लेकर 120 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर में भी ये काम जो है वो कर देगी। ठीक है, क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गया। कैसी बैटरी है, एटॉमिक बैटरी बनाई है, न्यूक्लियर बैटरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अब न्यूक्लियर नाम आया है तो भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। भारत के नाभिकीय संलयन संयंत्र, तो ननोरा कहाँ पर है, नैनोरा, ननोरा कहाँ पर है आप लोगों का, यूपी के बुलंदशहर में। रावत भाटा कहाँ पर है, रावत भाटा राजस्थान में, ये पिछले साल एग्जाम में आया भी था आपके। काकरा पारा कहाँ पर है, काकरा पारा ये है गुजरात में। ठीक है, मीठी वर्दी कहाँ पर है, मीठी वर्दी ये भी कहाँ पर है, गुजरात में। कैगा कहाँ पर है, कैगा ये है कर्नाटक में, कर्नाटक। कुंडनकुलम, कुंडनकुलम और कल्पक्कम, कल्पक्कम ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। फिर इसके बाद देखेंगे हम लोग कुंडनकुलम, कल्पक्कम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटक, मीठी वर्दी गुजरात, काकरापारा गुजरात, रावतभाटा राजस्थान, ननोरा, एक बच गया आप लोगों का, वो बच गया है जैतापुर और तारापुर, ये हैं कहाँ पर, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये मैचिंग में आप लोगों को आते हैं, वेरी वेरी या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको प्लीज़ आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। चाइना की बात आई है, चाइना की राजधानी बीजिंग है और इसके राष्ट्रपति सी जिनपिंग साहब हैं, यहाँ की मुद्रा युआन है, युआन, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों को खदेड़ने के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया है, तो बताइए मुझे जल्दी से।
वो है। अब देखो ये तीनों ऊपर के तो पढ़े होंगे आप लोगों ने, देखे होंगे ऑपरेशन दोस्ती, तो आपको पता ही है कहाँ पर, तुर्की के साथ चला। गंगा आपको पता है यूक्रेन के साथ चला भारत का। ऑपरेशन अजय अभी आपको पता है इसराइल के साथ चला। वो तो बचा कौन सा सर्वशक्ति, यही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। भारतीय सेना की बात आई है, भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, भारतीय सेना का जन्म दिवस कब मनाया था, 15 जनवरी को दिवस मनाते हैं हम लोग। अभी कौन है, मनोज पांडे हमारे चीफ आर्मी चीफ है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, घेंगा, स्कर्बी, मधुमेह, जीरो थैलमिया, इनके बताने किस किस कमी से होता है। तो घेंगा आयोडीन की कमी से, तो ये तो भाई सही होगी बात, ये सही हो गया, सही है, डिसीज के मैचिंग करना है। स्कर्बी विटामिन सी की कमी से, सही है। ठीक है, और इसके बाद अब कौन सा बचा है आपका, डायबिटीज, मधुमेह, बताइए किसकी वजह से होगा, जीरो थैलमिया, विटामिन ए, इन दोनों का आंसर बताइए फटाफट से तेजी से। ठीक है, तो मधुमेह जो होता है वो प्रोटीन की वजह से नहीं, बल्कि किसकी वजह से, वो होता है इंसुलिन, इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की कमी से। ठीक है, इंसुलिन की मात्रा घट बट जाती है तब जाके क्या होता है मधुमेह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है, और जीरो थैलेमिया विटामिन ए की कमी से। ठीक है, विटामिन ए, चाहो तो विटामिन ए और लिख लेंगे। विटामिन ए की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में मिलता है, ये गाजर में मिलता है, गाजर। कई बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है भैया, क्लियर होगी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन सा परिणामों का आवश्यक होना सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट इज नॉट ए नेसेसरी। तो क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, रिमूवल ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ द लोकल बॉडीज, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग का सही उत्तर चुनना है। इसमें आवश्यक होना सही नहीं है, उत्तर को सही चुनना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, पूछ क्या रहा है बताना क्या है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। देखो इसमें आवश्यक नहीं है, देखो राज्य की विधानसभा का विघटन हो रहा है तो ऐसा तो है नहीं, राज्य की विधानसभा का विघटन हो रहा है तो प्रेसिडेंट रूल हटेगा, लगेगा, इलेक्शन भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है प्रेसिडेंट रूल होगा। ठीक है, तो पहला तो सही है, राज्य का विधानसभा का विघटन होना आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति शासन के लिए, तो इसका मतलब पहला सही है, राज्य के विधान मंत्रिपरिषद को हटाया जाना। अगर अब मंत्रिपरिषद हटा रहे हैं, राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जा रहे हैं, तो भाई ये भी ये आवश्यक है, राज्य के मंत्रिपरिषद को हटा रहे हैं तो क्या मतलब है कि सरकार किसके हाथ में चलेगी, राष्ट्रपति के साथ में चलेगी, तो ये जो है ये भी सही नहीं होगा। इसके बाद है स्थानीय निकायों का विघटन, राष्ट्रपति के प्रेसिडेंट रूल से संबंधित तो कोई मतलब है ही नहीं इसका, तो इसमें जो सही आंसर होगा आप लोगों का वो पहला सही होगा, डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, राज्य के विधानसभा का विघटन हो गया है तब राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा हो सकती है। और इसके बाद है स्थानीय निकायों का विघटन, इससे भी कोई मतलब नहीं, तो इन दोनों से कोई मतलब है नहीं, ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका सही आंसर होंगे। ठीक है, अब राष्ट्रपति शासन के मैं बता देता हूं आप लोगों से, राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल हम लोग एक बार देख लेते हैं, आर्टिकल 356 देख लेते हैं, आर्टिकल 356 कब, इसकी कंडीशन देख लेते हैं अभी और क्लियर हो जाएगा इसमें। तो कब होगा, कब होगा, नंबर 1 जब मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का मतलब क्या है, मिनिस्टर काउंसिल, राष्ट्रपति भंग कर देंगे, जब मंत्रिपरिषद स्टेट की मिनिस्टर काउंसिल्स, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब भंग हो जाएगी तब प्रेसिडेंट रूल रख सकते हैं, पहली बात। दूसरा ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि विधानसभा का विघटन, दोनों बातें हैं, विघटन मतलब रिमूवल, सॉरी डिसोल्यूशन, विघटन हो भी सकता है या नहीं, दोनों बातें, ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ा गया है, प्रेसिडेंट रूल के तहत
चाहो तो वो भंग कर देगा, चाहो तो कंटिन्यू कर देगा, मुख्यमंत्री हटा देगा, ये आप लोग याद रखें, ठीक है, याद रखेगा। और याद रखेंगे राज्य के जितने भी विधेयक होंगे, राज्य के जितने भी विधेयक होंगे, विधेयक मतलब बिल होंगे, वो संसद में पेश होंगे, संसद में पेश होंगे किसकी अनुमति से, राज्यपाल की, ये आप लोग याद रखें। प्रस्ताव कौन करवाएगा, राज्यपाल, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। राज्य के जो कंसोलिडेट फंड होता है, राज्य का जो कंसोलिडेट संचय निधि होती है राज्य की, वो उस पर किसका अधिकार हो जाएगा, उस पर राष्ट्रपति साहब का अधिकार हो जाएगा, प्रेसिडेंट साहब का, राष्ट्रपति साहब का अधिकार हो जाएगा। ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट है आर्टिकल 356 के, जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगाने की कंडीशन है या पावर है, वो आप लोगों को याद रखें, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। और राष्ट्रपति चाहे तो यहां पर लिख लेना, राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति घोषणा करेगा कि राज्य की जो राज्य की विधायिका है, राज्य की विधायिका मतलब मान लीजिएगा राष्ट्रपति ने कहा भैया हमें विधायकों से अब कोई लेना देने नहीं, तो राज्य की स्टेट लेजिस्लेटिव पावर किस में चली जाएगी, पार्लियामेंट में, यानी पार्लियामेंट से जब बिल पास होंगे तो पार्लियामेंट ही उस राज्य के लिए बिल, कानून या विधायिका से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो ला सकती है, ठीक है। ये आर्टिकल 356 मैंने आप लोगों को बताया था। अब जल्दी से कुछ आर्टिकल आपको रिवाइज करा देता हूँ फटाफट से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखूंगा, आप लोग इसके आंसर करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। आर्टिकल लिखेंगे, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368, आर्टिकल फटाफट से लिखेंगे 371 आई, और फिर लिखेंगे आप लोग आर्टिकल 280, आर्टिकल 148, आर्टिकल 40। बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए जल्दी से, आर्टिकल 352 क्या है, वो है आप लोगों का आपका इमरजेंसी में, इमरजेंसी 356 में प्रेसिडेंट रूल, यहां पर फाइनेंशियल इमरजेंसी, यहां पर अमेंडमेंट्स, 371 आई बताइए, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को, 280 में फाइनेंस कमीशन, 48 में कैग, 40 में ग्राम पंचायत, बताइए जल्दी से। आई का मैंने एक ट्रिक बताई थी भैया आपको, याद आ रहा है, नहीं आ रहा किसी को, हाँ बिल्कुल सही, गोवा, क्या होगा गोवा, गोवा राज्य के लिए स्पेशल प्रिविलेज दी गई है, यहाँ पर स्पेशल छूट है, ठीक है, याद हो गया, मैंने बताया था ना तू क्यों ना गोवा आई, तो आई बताया था मैंने इस पर, ठीक है, आगे बढ़ाएं। तो ये आपके आर्टिकल रिवाइज हो गए हैं, ये करंट अफेयर की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, थैंक यू सो मच।